रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेज़बान नहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम द इनविजिबल होमवर्क की कॉम्प्रीहेंशन करें और आज कॉम्प्रीहेंशन में हम वर्ड मीनिंग करेंगे। लेट्स लर्न अबाउट वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो है हम ए डबल सी ई पी टी वाला एक्सेप्ट करेंगे। एक होता है एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी, जिसका मीनिंग होते के सवा, और टू बिलीव, टू रिसीव, टू से यस, यानी कबूल करना, वसूल करना, और हाँ कहना। एक्सेप्ट का मतलब होता है हम किसी से कोई गिफ्ट वसूल भी कर सकते हैं, हम हाँ भी कहते हैं, और एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक्सेप्ट अ जॉब, जॉब कबूल करना, एक्सेप्ट अ कॉम्प्लीमेंट, तारीफ कबूल करना, एक्सेप्ट द चैलेंज कबूल करना, और एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे कबूल करना। अदर वर्ड्स टेक, एडमिट, रिसीव एंड एक्नॉलेज, और अपोजिट रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिनाई, डिक्लाइन, डिसबिलीव, डिसअप्रूव, टर्न डाउन एंड डिसअलाउ। जैसे कोई हमें जॉब ऑफर होती है तो आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो हम कहते हैं हमने हाँ एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है सबमिट। सबमिट का मीनिंग होता है गर्दन झुकाना, अर्ज करना, जैसे एक्सेप्ट आर यील्ड टू अ सुपीरियर फोर्स आर टू द अथॉरिटी आर विल ऑफ एन अदर पर्सन। सेकेंड मीनिंग है अर्ज करना, सब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ट्रीटमेंट आर कंडीशन, जैसे जब हम अपने आप को पेश करते हैं, जैसे हम जमा कराते हैं, सबमिट योर होमवर्क ऑन मंडे, जो टीचर हमें होमवर्क देती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबमिशन टू अल्लाह इज़ अ कॉमन ट्रेट इन होल क्रिएशन। अल्लाह ताला हम सबका मालिक, कायनात का बनाने वाला, उसने जो है हर एक उसकी इबादत करता है चाहते हुए ना चाहते हुए। और इस्लाम का मतलब है पीस, और पीस हम कैसे हासिल कर सकते हैं अमन, जब हम अल्लाह के आगे झुक जाएं, अपनी मर्जी की बजाय अल्लाह की बात माने। मुस्लिम का मतलब है वन हु सबमिट्स। अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम उसकी इबादत करें। तो हमारा दिल करे ना करे, नमाजें तो फ़र्ज हैं, इबादत करनी है, लेकिन हर काम में अल्लाह की मर्ज़ी को मुकदम रखना इस्लाम है। और हम अल्लाह से जो सबमिशन है मोहब्बत के साथ कर सकते हैं, अगर हम अल्लाह को जानें, और अल्लाह को जानने का बेहतरीन तरीका उसकी किताब पढ़ना, कुरान मजीद, और ऐसी ज़बान में जो हमें समझ आती हो। एवरी वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। हर बंदा दुनिया को तब्दील करना चाहता है, लेकिन हम सिर्फ अपने आप को तब्दील कर सकते हैं अगर अपनी विल को अल्लाह के आगे सबमिट कर दें। असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है पढ़ने के दौरान टीचर हमें असाइनमेंट्स देते हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो घर से जो होमवर्क काम करके लाते हैं उसको असाइनमेंट कहते हैं। यानी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए, करेक्ट करनी चाहिए, और ऑन टाइम वापस करनी चाहिए। अ टास्क आर पीस ऑफ वर्क एलोकेटेड टू समवन एज पार्ट ऑफ अ जॉब आर कोर्स ऑफ स्टडी असाइनमेंट कहलाता है, जैसे होमवर्क असाइनमेंट। सिमिलर वर्ड्स आर असाइनमेंट्स आर ड्यूटी, जॉब, डेजिग्नेशन, मिशन, टास्क और अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिसअपीयर। डिसअपीयर का मतलब होता है गायब होना, सीज टू बी विजिबल, नजर आना, बंद हो जाना। अदर वर्ड्स फॉर डिसअपीयर आर एवेपोरेट, वैनिश, डिजॉल्व, गो अवे, डाई एंड पास अवे, रिमेन, अपीयर, अराइव एंड ग्रो आर द ऑपोजिट ऑफ डिसअपीयर। सो गिव लाइट एंड द डार्कनेस विल डिसअपीयर ऑफ इटसेल्फ। तो हमें अगर रोशनी कर दें तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो प्यारे बच्चों, जहालत के अंधेरों को हम रोशनी से दूर कर सकते हैं। अपने किरदार को इतना साफ शफाफ बनाएं, इतना चमकदार बनाएं कि लोग उससे सीखें। एक्सचेंज, तब्दील करना, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना, इसके सिमिलर वर्ड्स फॉर एक्सचेंज हैं स्वाप, इंटरचेंज, चेंज, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस एंड स्विच। जैसे हमें कोई गिफ्ट दे तो हम उसको गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, और ये करना सुन्नत भी है। फिर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क में नहीं चलती, इसके लिए हमें एक्सचेंज करना पड़ता है। फिर कई दफ़ा हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देते हैं, जैसे आपस में तबादला करना। फिर हम पैसे दे के चीज़ों का तबादला करते हैं, कि पैसे देते हैं उसके बदले में ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। फिर है स्टॉक एक्सचेंज, जो फाइनेंस मार्केट होती है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जिसमें लोग करेंसी का लेन देन करते हैं। फिर है डोंट एक्सचेंज योर डिग्निटी फॉर पॉपुलैरिटी,
کہ مقبولیت کی خاطر اپنے وقار و عظمت کو داؤ پر مت لگائیں. جیسے کچھ لوگ گپیں لگاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وہ مشہور تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی عزت کوئی نہیں کرتا. All the gold which is under or upon the earth is not enough to give in exchange for virtue. دنیا جہان کے خزانے نیکی کا بدل نہیں ہو سکتے, تو آپ نے نیکی کی حفاظت کرنی چاہیے. دولت تو آنی جانی چیز ہے. Love is the gift, friendship is an exchange. یعنی کہ محبت تو ون وے بھی ہوتی ہے لیکن فرینڈشپ اپنا ہی بندہ دوسرے کی پلیٹ میں رکھ کے کھاتا ہے. پھر ہے لیننگ. لیننگ کا مطلب ہوتا ہے آگے کو جھکنا. سملر ورڈس فار لیننگ آر اینگل, سلوپ, انکلائن, سلانٹ اینڈ ٹلٹ. پیارے بچوں یہ آپ کی ایکسرسائز ہے. میچ دا ورڈ ان کالم اے وتھ اٹس میننگ ان کالم بی. تو اے میں ورڈس ہیں اور بی میں ان کے میننگ لکھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو میچ کرنا ہے. ہم نے سارے میننگ پیچھے دیکھ بھی لیے ہیں, جیسے ایکسیپٹ ٹو میک سم, ٹو ٹیک سم تھنگ دیٹ از آفرڈ, سبمٹ ٹو پٹ سم تھنگ فارورڈ, اسائنمنٹ آر ٹاسک دیٹ از گیون آر ٹیکن, ڈس اپیئر ٹو بی نو لانگر سین ان پلیس, ایکسچینج ٹو گیو سم تھنگ اینڈ گیٹ سم تھنگ ریٹرن, اور لیننگ بینڈ فارورڈ. تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں.